तो लगभग 1.5 साल बाद मूवी रिलीज हो गई है। काफी बेसब्री से इंतजार था इस मूवी का। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे सूर्यवंशी मूवी के बारे में, जिसे थिएटर में रिलीज किया गया है। अब मूवी जो है वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है, मतलब इतना ज्यादा ओवर करके दिखाया गया है, क्या जरूरत थी यार उसकी। स्टार्टिंग में पोल खोल रहा हूँ। देखो भैया, अगर आप मूवी देखने जा रहे हो और लॉजिक के साथ सोच रहे हो कि इसमें लॉजिक वोजिक हमें देखने को मिलेगा, तो भाई रहन दो यार, लॉजिक नहीं है इस मूवी के अंदर। क्योंकि रोहित शेट्टी की मूवी है, गाड़ियां उड़ रही हैं, बंदे कहीं से आ रहे हैं, अनलिमिटेड बंदे आ रहे हैं, कुछ भी लॉजिक इसके अंदर यूज मत करना। अब मूवी देखने के पीछे मेन रीजन मेरा ये था कि भाई इसके अंदर जो तीन मेन कलाकार हैं वो देखने को मिलने वाले हैं, और पता था कि वो लास्ट में 5 या 10 मिनट का उनका काम होगा, बस वही देखने को, मतलब उनको ही देखने के लिए मैं मूवी देखने गया था। तो अब इस मूवी की स्टोरी की बात कर लेते हैं। मुंबई में एक अटैक होने वाला है, टेररिस्ट अटैक होने वाला है, बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। अब उसको रोकने की जिम्मेदारी एक पुलिस ऑफिसर वीर सूर्यवंशी को दी जाती है। अब वो रोकने में, मतलब यार खैर क्या स्पॉइलर दूं, वो चीज़ों को सोल्व करने लग जाता है और चीज़ें उसके सामने होने लग जाती हैं। वो टेररिस्ट को पकड़ रहा है, टेररिस्ट आसानी से सामने आ रहे हैं कि भैया हाँ हम तो आपके लिए बैठे थे पकड़ने के लिए, आओ कि हमें पकड़ो और हम चलें आपके साथ। और साथ ही साथ इस मूवी में जो पुलिस ऑफिसर है उनकी फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं वो भी इसके अंदर थोड़ी बहुत एड्रेस की गई हैं, और यहाँ पर मूवी को इमोशनल करने की कोशिश की गई है। खैर देखो, वो आप हो पाते हो नहीं हो पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो हुआ नहीं इमोशनल। मूवी के अंदर कमियां निकालने बैठूं तो शुरू से लेकर आखिर तक ऐसा कोई सीन नहीं मिलता है जिसके अंदर ये लगे कि हाँ यार ये चीज हो सकती है। मतलब सारी चीजें बस माननी, एज्यूम करनी पड़ती है कि ठीक है यार मान ही लेते हैं। मतलब हाँ एक चीज जो, मतलब पैसा वसूल जो मुझे लगा वो है जो एक सॉन्ग आता है टिप टिप बरसा पानी, काफी बढ़िया मुझे वो चीज लगी। और उस वक्त जैसी सीटियां बजाई जा रही थी, मतलब उछल रहे थे, किलकारियों पे किलकारियां आ रही थी, वो वाली चीज काफी ज्यादा मुझे पसंद आई। और वहां लगा कि हाँ भाई कैटरीना कैफ को देखा है, दिल धन्य धन्य, मतलब गार्डन गार्डन हो गया। और इस मूवी के अंदर जो लास्ट का सीन देखने को मिलता है जिसमें तीन कलाकारों के आपस में कन्वर्सेशन होती है, ठीक है वो डायलॉग हमें पसंद आते हैं, यार हमें क्या, मुझे तो पसंद आए, मैंने वो इंजॉय किए वहां पर, जो उनके बीच में वार्तालाप हो रही थी, एक दूसरे के ऊपर पंच लाइन आ रही थी, वो काफी मुझे अच्छे लगे वहां पर। और वैसे ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म या नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। मैंने तो शायद यही देखा था कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी जब ये मूवी स्टार्ट हो रही थी, तो वहां पर ये देखने को मिला था। खैर जब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी तो मुझे नहीं लगता कि उतना मजा आ पाएगा या फिर इस मूवी को उतना एंजॉय हम कर पाएंगे जितना इसको थिएटर में किया गया, क्योंकि थिएटर का एक अलग ही स्वैग है, मजा है। मतलब वहां पर क्राउड है, इतनी ज्यादा जनसंख्या में लोग आए हुए हैं, मतलब फुल भरा हुआ था, तो वहां पर जैसे चीख रहे थे, किलकारियां मार रहे थे, तो वो एक अलग ही मजा आ रहा था कि मूवी चलो ठीक है इसके अंदर स्टोरी नहीं है फिर भी हमें देखने में अच्छा लग रहा है, वो ओटीटी पर मजा नहीं आने वाला है। और मूवी के अंदर जो हिंदू मुस्लिम का एक रिलीजियन एंगल दिखाने की कोशिश की गई है, सच कहूं यार वो, ये ठीक है मैं रिस्पेक्ट करता हूं इस चीज की कि हाँ एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि हमें सबको मिलकर रहना चाहिए, ये तो ऑब्वियसली बात है, एक देश में रह रहे हैं तो इतने सारे रिलीजन है, एक दूसरे रिलीजन की इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, और हम सब एक ही हैं, इस चीज को हमें एक दूसरे को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, और ये सब चीजें इसके अंदर दिखाने की थोड़ी बहुत कोशिश की गई है। थोड़ी बहुत क्या, जिस ढंग से इसमें दिखाने की कोशिश की है वो कुछ ऐसा लगता है कि यार ओवर ओवर हो गया, मतलब ड्रामेटिक वे हो गया, दिखावा कर रहे हो, उस चीज की जरूरत नहीं थी यार वहां पर, वो हजम नहीं हो रही यार जो चीज ये दिखा रहे थे, अरे क्या कर रहे हो यार, थोड़ा सा सही से दिखा लो, मैसेज कन्वे कर रहे हो तो थोड़ा ठीक ढंग से कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैसा नहीं दिखाना चाहिए था, दिखाओ यार मैसेज कन्वे करो, लोगों को एक अच्छा मैसेज मिले अच्छी बात है, लोग आपस में जो वैर करके बैठे हैं वो एक दूसरे के साथ आए अच्छी चीज है, लेकिन जो इसमें जो दिखा रहे हो यार वो दिखावा लगा मुझे। अब मूवी के अंदर कॉमेडी, हाँ ठीक है कॉमेडी है लेकिन नहीं है, है मतलब थोड़ी सी है, थोड़ा सा देखकर उसको हंसी आ जाती है। अक्षय कुमार का जो सीन आता है वो भूलने की बीमारी ऐसे कि वो नाम भूल जाते हैं, कहीं कहीं आती है बट वो नहीं चल पा रही है, थोड़ा बहुत लग रहा है कि ठीक है भाई वो वहां देख रहे हैं। अब एक्शन जो स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग के क्या इस पूरी मूवी के अंदर एक्शन या फिर फाइटिंग सीक्वेंस की बात करूं तो यार ठीक ही है यार, मतलब कोई इतना मजा नहीं आया उस चीज को देखकर। लास्ट की जो फाइट हुई वो तो यार बस समझ लो
हजम ही करनी पड़ रही है। मतलब बंदे आ रहे हैं, अनलिमिटेड बंदे आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे होंगे, अब उनको तीन ही बंदे मार रहे हैं, मतलब ये समझो तीन बंदों के पास इतनी पावर है वो आधी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। अरे बाकी के पुलिस वाले झक मारने आए हुए हैं वहां पर, उनको भी तो काम करने दो यार, टेररिस्ट आए हुए हैं मारने दो उनको, लेकिन नहीं, तीन ही है, तीन ही काफी है, वही उनको बना लो जो मतलब उनको मतलब पूरे देवता उवता बना दो तुम यहाँ पर। वैसे एक अच्छी चीज इसमें एक ये भी है कि आप इसको फैमिली के साथ देख सकते हो, ऐसा कुछ इसके अंदर सीन नहीं है। हाँ उसमें बच्चे इंजॉय करेंगे, कोई इतना वॉयलेंस नहीं है, वॉयलेंस नहीं है इसके अंदर, ना कोई ऐसा वल्गर सीन है, अच्छी चीजें हैं जिसमें आप मतलब अपने फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर सकते हो। जो है वो तो यार देखो बताना बनता है, सीरियसली कह रहा हूँ, मूवी में लॉजिक मत लगा लेना कहीं से भी, क्योंकि मैंने कहा ना स्टार्टिंग में रोहित शेट्टी की मूवी है, तो इसमें यार कारें कहीं से भी आ सकती हैं, कुछ भी तोड़ सकती हैं, बंदा चलती हुई गाड़ी में से उतर सकता है, पीछे बम फट रहे हैं, लेकिन अपना स्वैग बंदा भूलेगा नहीं, क्योंकि वो मारना है, मतलब वो स्टाइल तो करना पड़ेगा ना। और मतलब तीन बंदों ने वो पता नहीं 100-200 बंदों को पेल दिया होगा, टेररिस्ट थे वो बेचारे, वो निहत्ते आए हुए थे, मार मूर दिया उनको, बाकी की फोर्स वैसे ही खड़ी रह गई, तो ये तो हजम कर लेना थोड़ा, ठीक है। टेररिस्ट को मैंने बेचारा क्यों कहा, उन कमबख्तों को फेल दिया होगा। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5 आउट ऑफ 10। अगर आप लोगों ने देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। वन टाइम वॉच तो मैं कह सकता हूँ यार कि हाँ ठीक है, आप देख सकते हो, जिसका इतने टाइम से वेट कर रहे थे, लास्ट में जो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा वो मुझे संतुष्टि देता है, एक टिपटी बरसा पानी मुझे संतुष्टि देता है, वो तो काफी ज्यादा संतुष्टि देता है, तो उसके लिए आप देख सकते हो इस मूवी को। बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।